और वही आतंकवाद सीहोर शहर में भी था, किसी की हिम्मत नहीं थी खड़े होने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म जनपद यानी मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म जहां हुआ उस सीहोर को बीजेपी विधायक ने आतंकवादी क्षेत्र बता दिया है। और वही आतंकवाद सीहोर शहर में भी था, किसी की हिम्मत नहीं थी खड़े होने। और हम तो तुम्हारे सबके पेट पड़ पड़ के नीचे बैठे क्योंकि ये हमारे संस्कार। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। पहले कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और कुछ कमी रह गई तो आप भी साथ निभाने आ गए। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक सुदेश राय के बयान पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक से इस बयान पर माफी मांगने की बात कही है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस भी उनसे माफी की मांग कर चुकी है। पहले हम आपको सुनाते हैं बीजेपी विधायक सुदेश राय का ये बयान। जहां दिखे आतंकवादी चला दो बुलडोजर, हम तो बिना बुलडोजर चलाए सीहोर की जनता को सुकून से जिंदगी रहने का मौका दे रहे हैं। तो ये कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से होगा। ऐसा कोई घर नहीं है भाई साहब, ऐसा कोई गांव नहीं है। और वही आतंकवाद सीहोर शहर में भी था, किसी की हिम्मत नहीं थी खड़े होने। और हम तो तुम्हारे सबके पेट पड़ पड़ के नीचे बैठे क्योंकि ये हमारे संस्कार है, ये हमारी पार्टी के संस्कार है, ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि आज जो एकत्रित हुए हैं कार्यकर्ता बंधु, आपकी वजह से ये सरकार चल रही है, पार्टी चल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शहीदों का अपमान करने की आदत सी हो गई है। ऐसे एक ही नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के सीहोर विधायक सुदेश राय ने सीहोर की धरती को आतंकवादियों की धरती बतला दिया है कि यहाँ पर आतंकवादी हुआ करते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सुदेश राय जी बीजेपी के ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि सीहोर 356 शहीदों की धरती है, 356 क्रांतिकारियों ने यहाँ पर बलिदान दिया है। ये कैसा भारतीय जनता पार्टी का मापदंड है? जब ये सत्ता में होते हैं तो क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताते हैं, सीहोर के लोगों का अपमान करते हैं। मैं बीजेपी विधायक से कहना चाहता हूँ कि अपने बयान पर माफी मांगे। दरअसल बीते दिनों सीहोर जिला मुख्यालय पर बीजेपी विधायक सुदेश राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें राय ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये प्रदेश है, यहाँ आतंकवाद अपराध पनपने नहीं दिया जाएगा। बड़े अपराध करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सीधे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा था कि वही आतंकवाद सीहोर में भी था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि खड़े हो जाएं। सीहोर शहर में आतंकवादियों का क्षेत्र कहलाता था। हम नाम नहीं लेंगे अपना मुंह खराब करने के लिए, नहीं तो पहले घर में चार भाई होते थे तो चारों पर केस दर्ज हो जाते थे। सुदेश राय के इस बयान की कांग्रेस पार्टी भी निंदा कर चुकी है।